चलिए ध्यान दीजिए सब, अभी के अभी जो बच्चे आंसर दे देंगे उनको क्या मिलेगा? मिलेगा गिफ्ट ये कि उनका मोबाइल के ऊपर ऊपर नाम लिखा रहेगा, ठीक है ना? सब देखेगा तुम्हारा नाम, सब सोचेगा कौन सा अच्छा बच्चा है जिसने ये आंसर दिया था, ठीक है? तो चलो शुरू करें। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मीनिंग्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मीनिंग्स को पहले समझेंगे। निहाल पेन को रख देंगे और मीनिंग्स को पहले समझेंगे, ठीक है? पहला है एच ए वी ई, है ना, लिखा हुआ है ना, एच ए वी ई। एच ए वी ई को हम पढ़ेंगे हैव। क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्या पढ़ेंगे? और हैव का मतलब होता है रखना, ठीक है? जैसे तुम क्या रखते हो, पैसे रखते हो तो बोलोगे आई हैव मनी, है ना, मैं पैसे रखता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, ठीक है? तो हैव का मतलब क्या होता है बच्चों? रखना। क्या मतलब होता है? रखना। अगर तुम्हारे पॉकेट में चॉकलेट है तो तुम क्या बोलोगे? आई हैव चॉकलेट, मैंने चॉकलेट रखा है, ठीक है ना? सेकेंड क्या होता है? एच ए एन जी, ठीक है, वापस बोलो, एच ए एन जी। इसको पढ़ेंगे हैंग। क्या पढ़ेंगे? हैंग। हैंग मतलब होता है लटकाना, ठीक है, लटकाना। ऐसे चूहे को पकड़ के ऐसे लटका दिया तो क्या बोलेंगे? मैंने चूहे को हैंग कर दिया। क्या कर दिया? हैंग कर दिया, ठीक है। ये देखो किसकी बॉटल है पता नहीं, ये मैंने बॉटल को क्या कर दिया? हैंग कर दिया। क्या कर दिया? लटका दिया, है ना, लटका दिया मतलब क्या कर दिया? हैंग कर दिया। अभी पूछूंगी, ध्यान देना सब, क्या कर दिया बॉटल को? हैंग कर दिया, ठीक है, हैंग मतलब लटकाना। अगला देखो एच आई टी, हिट। क्या बोलते हैं? हिट। हिट मतलब मारना, मच्छर मारते हैं ना, मच्छर को मार दिया, क्या कर दिया मच्छर को? हिट कर दिया, ठीक है। मैंने बॉल फेंका और तुमने बैट से उसको मारा तो तुमने क्या किया? हिट किया। क्या किया? हिट किया। क्या किया? हिट किया। हिट मतलब मारना। एच आई डी ई, ठीक है, बोलो बोलो इसको, एच आई डी ई, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड। क्या बोलते हैं? हाइड। हाइड मतलब होता है छिपाना, ठीक है ना, छिपाना। जैसे मैं अपनी घड़ी को देखो छिपा ली तो मैंने क्या कर दिया? हाइड कर दिया। क्या कर दिया? हाइड कर दिया। अगला है एच ई ए आर, हियर। हियर मतलब सुनना, है ना, क्या बोला तुमने, है ना, सुन रहे हैं तो क्या बोलते हैं? हियर। हियर मतलब सुनना, हियर मतलब सुनना, हियर मतलब सुनना, ओके। एच ओ एल डी, होल्ड। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, होल्ड मतलब पकड़ना। और अभी तो हमने क्या किया था? हैंग किया था, लटका दिया था, अब होल्ड कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। होल्ड मीन्स पकड़ना, होल्ड मीन्स पकड़ना। एच यू आर टी, एच यू आर टी, एच यू आर टी, एच यू आर टी, हार्ट। हार्ट मतलब किसी को तकलीफ देना, ठीक है। तुमने किसी को तकलीफ दिया तो वो बोलेगा तुमने मुझे हर्ट किया, ठीक है ना, है ना। मान लो कि रोहित ने राजनंदनी को तकलीफ दिया, ठीक है। अरे अरे अरे, उधर से आ बेटा, उधर से आओ, इधर से, उधर उधर से आओ, उधर भाई, इसको बीच में से निकलने का रास्ता दो। देखिए, अगर रोहित ने राजनंदनी को कष्ट दिया तो राजनंदनी क्या बोलेगी रोहित को? रोहित तुमने मुझे हर्ट किया, तुमने मुझे हर्ट किया, ठीक है। उसके बाद एच ए टी ई, हेट। हेट मीन्स नफरत करना, कहते हैं ना मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आई हेट यू। टीवी में देखा होगा ना, बोलती है आई हेट यू, ठीक है, नफरत करना। एच ई एल पी, एच ई एल पी, हेल्प। हेल्प मतलब मदद करना, सहायता करना, ठीक है, मदद करना, सहायता करना। जैसे वो गुड़िया अभी यहाँ से जा रही थी, ठीक है, तो यहाँ से नहीं जा पाई तो उन लोगों ने
आर्यन ने, ये बच्चों ने उसकी क्या की, हेल्प की, उसको जगह दिया जाने का, ठीक है ना। तो हेल्प मतलब मदद करना। मान लो रोहित खड़े हो जाओ, मान लो कि तुम जा रहे हो, ठीक है बैठ खड़े हो जाओ, मान लो तुम जा रहे हो और एक बड़ी सी काऊ है वो गिरी पड़ी है, तुम उसकी मदद करोगे कि नहीं करोगे। तो मदद करोगे मतलब क्या करोगे, उसकी हेल्प करोगे, क्या करोगे उसकी हेल्प करोगे। अच्छा ठीक है बैठ जाओ। हुसैन, हुसैन मान लो कि तुम रास्ते, मान लो कि तुम अभी बाहर निकले, ठीक है ना, और वो जो छोटी बच्ची है, ठीक है, उसको प्यास लगी, उसको पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, तो तुम क्या करोगे, मदद करोगे। मदद करोगे मतलब क्या करोगे, उसको पानी पिलाओगे, ठीक है ना, तो क्या करोगे, हेल्प करोगे। अच्छा हेल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तनु नहीं, ऋषिका, ऋषिका खड़ी हो जाओ। क्या हमको हेल्प करनी चाहिए, साउंड नहीं बेटा, साउंड नहीं, क्या हमको किसी की हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो कि तनु मांग रही है कि ऋषिका मुझे 10 चॉकलेट दे दो, तो तुम हेल्प करोगे, उसको 10 चॉकलेट दोगी। और तनु ने बोला कि ऋषिका तुम एक भी चॉकलेट मत खाना, सारे चॉकलेट मुझे दे दो, तो तुम दोगी या नहीं दोगी, दे दोगी। अच्छा मैं तो नहीं दूंगी, मैं तो 5 उसको दूंगी और 5 मैं खुद ही खाऊंगी, लेकिन तुम, अच्छा तुम हेल्प कर रही हो ना, हाँ ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिए, आई एन, बोलिए, वी आर टी ई, इनवाइट, इनवाइट मतलब होता है आमंत्रित करना, इनवाइट करते हैं ना। जब तुम्हारे घर में शादी किसी की होगी तो तुम क्या करोगे, हाँ कार्ड लेके आते हो ना, कार्ड लेके आते हो और मुझे आकर के क्या करोगे, इनवाइट करोगे, ठीक है कि मैम शादी में जरूर आना, ठीक है। फिर मान लो कि कुछ बर्थडे पार्टी पड़ गया, तब भी आप क्या करते हो, इनवाइट करते हो कि मैम जरूर आना, ठीक है ना। आपके घर में कोई भी फंक्शन पड़ता है तो आप क्या करते हो, इनवाइट करते हो, क्या करते हो, इनवाइट। इनवाइट करना मतलब आमंत्रित करना, क्या होता है, आमंत्रित करना। अब मैं टेस्ट ले लूँ, ठीक है, मैं देखती हूँ कौन कौन सही सही बता देगा। सबसे पहले प्रियांशु, नहीं दिव्यांशु, दिव्यांशु या प्रियांशु, हाँ मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, चलो वहीं से बताओ, ये इस पूरा पढ़ के बताओ। हाइड मीन्स छिपाना, हाइड मीन्स छिपाना, ठीक है सही बताया इसने, क्लैपिंग करिए साहब, 10 पॉइंट। आप कौन बताएगा, ऋषिका, वेरी गुड, 10 पॉइंट। हुसैन, आइए ये हार्ट, हार्ट मतलब अभी मैंने बोला ना कि इसने राजनंदी को इसने हर्ट किया था, हर्ट किया था मतलब तकलीफ देना या पीड़ा देना, यहाँ पे लिखा हुआ है पीड़ा देना, पीड़ा देना या तकलीफ देना, तकलीफ लिख दूँ, है ना, पीड़ा देना या तकलीफ देना, एक ही बात होता है। ओके सिट डाउन, क्लैपिंग कर दीजिए सब हुसैन के लिए भी। हाँ निकुंज, नफरत करना, तुम नफरत करते हो ना किसी से, किसी से भी नहीं नफरत करता, किसी से तो करना चाहिए। महेंद्र से नफरत करता है, हैं करते हो क्या, करते हो, बोलो आई हेट यू, हाँ बैठ जाओ। अब किसे मैं पूछूं, हाँ अभिषेक, एच ई एल पी को क्या पढ़ेंगे वो यहाँ लिखा हुआ है, हेल्प, हेल्प मीन्स सहायता करना, तुम अपने भाई की सहायता करोगे कि नहीं करोगे, पक्का, ओके ठीक है, क्लैपिंग करिए साहब, 10 पॉइंट। स्पेलिंग पढ़ो पहले, क्या सोच रहा है, स्पेलिंग पढ़ना है, आई एन, आई एन
इनवाइट, इसको क्या पढ़ेंगे वो यहाँ लिखा हुआ है इनवाइट। इनवाइट मीन्स आमंत्रित करना, यानी कि बुलाना, शादी पार्टी में बुलाना कि भाई हमारे घर जरूर आना, जरूर आना, जरूर आना। ठीक है, ओके, सिट डाउन। राजनंदनी, हाँ, हैंग मतलब लटकाना, एच ए एन जी, हैंग, हैंग मतलब लटकाना। किसको किसको लटकाते हो? मैम बोलती है ना छोटे बच्चों को, होमवर्क नहीं करेगा तो पंखे से लटका देंगे, ठीक है ना? तो हैंग मतलब लटकाना। रोहित, हाँ, अब इसको क्या पढ़ेंगे वो यहाँ लिखा है एच आई टी, हिट। हिट मीन्स मारना, पीटना नहीं, है ना, पीटना नहीं, हिट मतलब मारना, जैसे बॉल को मारना, मच्छर को मारना, है ना, ये कहलाता है हिट करना। ठीक है, किसी चीज़ पर को ऐसे हिट करना, देखो मैंने ऐसे विंडो को हिट किया, मारा, ठीक है ना, ये हिट करना। समझ आ गया सबको? ओके, रोहित के लिए भी सब क्लैपिंग कर दीजिए। मैंने सबसे तो नहीं पूछा है, दो चार बच गए हैं, कोई बात नहीं, उनसे बाद में पूछूंगी, ठीक है ना। तो अब आपको ये काम पूरा करना है, सुंदर वाटी में करना है, एक भी स्पेलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए। हिंदी देखो, यहाँ पे ड़ पे यहाँ नीचे बिंदी है ना, छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर भी बिंदी है, बिल्कुल देखो, ह पर यहाँ पर बिंदी है, छूटना नहीं चाहिए। एकदम सही सही लिखोगे, सुंदर वाटी में लिखोगे तो दीक्षा मैम आपको देंगी 10 स्माइल, 10 स्माइल, ठीक है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे किसको किसको 10 स्माइल मिलता है, और सुन और बिना गलती किए लिखोगे, सारा सही जाएगा तो 10 नंबर मिलेंगे, ओके। उसके बाद आप लोग इसको पढ़ के भी बताएंगे, मैम को पढ़ के भी बताना, तो पहले लिख लो, कॉपी चेक करवाने से पहले पढ़ के आना। दीक्षा मैम टेस्ट लेते हुए इनका करिएगा, है ना, ऐसे मार्क्स दे देना आप। हाँ, कहाँ? इस पर, इस पर हाई ड है, ये ड नहीं है मैडम, वो मार्क कर दे देना। शांत चलो, नहीं सहाय, चलो ध्यान दो। आप इधर वाले बच्चे लिखना बंद करेंगे, स्टॉप राइटिंग, कोई भी बच्चा पेन यूज नहीं करेगा, स्टॉप राइटिंग। महेंद्र, मैंने हर वीडियो में तुमसे पूछा है, हर क्लास में, कि महेंद्र नहीं आया। मैं कल तुमको फ़ोन भी करने वाली थी कि महेंद्र नहीं आया। शांतनु कहाँ है? ये रहा, ठीक है। आज कौन एबसेंट है? दीपिका नहीं आई है। चलिए इधर देखिए, देखिए इधर देखिए। अब इधर आप लोगों को ज़्यादा समझाने की तो ज़रूरत है नहीं। एच ए वी ई हैव, हैव यानी कि रखना, ठीक है ना। कोई भी चीज़ रखते हैं, मैं मार्कर रखती हूँ तो आई हैव मार्कर, तुम पेन रखते हो यू हैव पेन, मेरे पास कॉपी है आई हैव कॉपी, ठीक है ना, मतलब रखना, समझ गए, रखना। कोई भी चीज़ जो रखते हैं, मेरे पास दिमाग है आई हैव ब्रेन, ठीक है, मेरे पास कॉमन सेंस है आई हैव कॉमन सेंस, है ना, ये भी आप कर सकते हैं। है मतलब यही नहीं होता है, मतलब दिमाग भी रखना होता है, ठीक है। दूसरा है हैंग, हैंग मतलब लटकाना, ठीक है, जैसे छोटे जो बच्चों के पैर पकड़ के उल्टा लटका दो, ठीक है ना, लटकाना, ठीक है, हैंग मतलब लटकाना। दूसरा देखो, हैंग मतलब फांसी देना भी होता है, हैंग मतलब जैसे भगत सिंह को फांसी दी गई ना, तो भगत सिंह को हैंग किया गया, ठीक है ना। तुमने अदालत में देखा होगा, जज क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैंग, हाँ, हैंग टू टिल डेथ, है ना, इसको फांसी पे लटका दो, तब तक लटकाओ जब तक कि ये मर ना जाए, ठीक है, हाँ बोलते हैं ना। तो फांसी देना भी होता है हैंग करना। हिट मतलब मारना, प्रचार दे, ऐड आता है ना हिट का, हिट मतलब आता है ना, हिट मतलब मारना, एक एक ऑल आउट जैसा भी आता है ना हिट, मतलब वो मारता है बच्चों को, मारता है। उसके बाद है हाइड, हाइड मतलब छिपाना, जैसे तुम लोग, मैं क्लास में आती हूँ और तुम लोग चॉकलेट छिपा लेते हो कि मैम कहीं खा ना जाए, है ना, तो हाइड मतलब छिपाना, ठीक है। उसके बाद हियर, हियर मतलब सुनना, है ना, मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है, सुनना मतलब हियर, सुनना मतलब हियर। शांतनु, होल्ड यानी कि पकड़ना, पकड़ना, होल्ड मतलब पकड़ना। मैंने मार्कर को क्या किया है, होल्ड किया है, क्या किया है, होल्ड किया है, पकड़ के रखा है, ओके। उसके बाद हर्ट मतलब होता है पीड़ा देना, पीड़ा देना मतलब क्या, मार के पीड़ा देना। एक मिनट तुषार, या तुषार से नहीं पूछूंगी, बैठ जाओ। कनेस, पीड़ा देना मतलब क्या, मार के पीड़ा देना, मैंने एक थप्पड़ मारा तो तुमको पीड़ा दिया, ये इसको हर्ट बोलेंगे, या आ?
मारते हैं बाल पकड़ के मारेंगे तो ओके बाल पकड़ के खींच के मारेंगे तो उसको हर्ट बोला जाएगा है ना ओके 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 अच्छा भी तुम्हारे हिसाब से हर्ट मतलब हाँ मैन हाँ उस बिल्कुल सही जवाब एक क्लैपिंग बनता है वैभव के लिए हार्ड का मतलब होता है वो नहीं है नहीं हार्ड का मतलब होता है तकलीफ देना जैसे जैसे मैंने अपनी बातों से तकलीफ दी ठीक है ना मैंने तुमको मान लो कि शांतनु इतना अच्छा बच्चा है और मैंने शांतनु को तकलीफ दिया शांतनु आई हेट यू कल से तुम मत आना मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगी अगर मैं ऐसा कहती हूँ मैं ऐसा कहूँगी नहीं है ना बिकॉज आई लव यू लेकिन अगर मैं ऐसा कहती हूँ तो क्या हो जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा कि मैंने शांतनु को क्या किया हर्ट किया शांतनु को हर्ट किया ठीक है जैसे जिज्ञासा एक अच्छी लड़की है मैंने बोला जिज्ञासा तुम्हारे में मैनर बिल्कुल नहीं है जबकि जिज्ञासा में मैनर कूट कूट के भरा हुआ है फिर भी अगर मैंने ऐसे बोलती हूँ तो मैं जिज्ञासा को क्या करूँगी हर्ट करूँगी समझ आ गया पीड़ा देना हर्ट करना अगला है हेट हेट मतलब नफरत करना एकदम वो नाटक वाला नफरत नहीं करना असली में नफरत करना ठीक है कि मुझे मैं उसका शकल नहीं देखना चाहता मुझे उसे नफरत है आई हेट है ना तो आपको ऐसा किसी से नफरत तो होगा नहीं मेरे हिसाब से किसी को किसी से नफरत नहीं है है क्या घनश्याम हेल्प मतलब सहायता करना पता ही आपको किसको हेल्प की जरूरत पड़ेगी और किसको हेल्प करनी चाहिए कुछ बच्चे हेल्प की जगह पे ना क्या करते हैं और ज़्यादा ऐसे एक बच्चा दौड़ के जा रहा है ठीक है उसको जल्दी है हेल्प करना चाहिए तो उसके दोस्त क्या करते हैं बीच में पैर अड़ा देते हैं ले गिर जा है ना ये हेल्प नहीं हुआ ये और ज़्यादा परेशान करने वाली बात हो गई ठीक है हाँ समझ आ गया मीनिंग्स इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है बिना मिस्टेक के लिखना है अभी लिखेंगे नहीं अभी इधर देखो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट ठीक है पास्ट इंडेफिनिट बोलते रहना क्या पढ़ने जा रहे हैं प्रियांशु तुम भी बोला करो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस ठीक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है अगर मैं बोलती हूँ कि कल मैं नहाई थी ठीक है ना तो लास्ट में आ गया नहाई यी थी है ना तो अगर मेरे वाक्य में आता है यी थी तो इसका मतलब कि ये पास्ट की बात हो गई कल की बात करेंगे ना कल की परसों की तो वो क्या होगा पास्ट की बात होगा कल की बात किया हमने पास्ट की बात किया कल परसों नरसों मतलब जैसे आज मैं क्या बोलूँगी कि दो दिन पहले संडे था तो संडे तो बीत गया जो बीत गया वो पास्ट था जो बीत गया वो पास्ट था हाँ जो बीत गया वो पास्ट था पहले तुम एक छोटे बच्चे थे बीत गया अब तुम बहुत बड़े हो गए हो है ना बहुत बड़े हो गए हो घोड़े जैसे ठीक है तो ये क्या था पहले की बात क्या थी पास्ट क्या थी पास्ट अब देखिए ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ एक बार फिर बता देती हूँ एच ही मिस वह अरे उधर वाले बच्चे बोलना मत हाँ ही मतलब वह ये कि बॉयज के लिए देखो ही कौन है चलो ये देखो पुष्पांग क्या है ही है ठीक है ये भानुमती क्या है शी है ही मतलब वह लड़का शी मतलब वह गर्ल ओके सिट डाउन आई मतलब मैं तुम लोग मुझे नहीं दिखाओगे तुम अपने आप को दिखाओगे मैं यू मीन्स तुम ठीक है वी मीन्स हम लोग वे मीन्स दे मीन्स वे लो दे मीन्स वे लो ओके डन समझ आ गया तो ये हो गई हमारी मीनिंग्स ठीक है आप देखिए हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे मैं अभी 5 सेंटेंस दूंगी आपको बनाने के लिए इसलिए दिमाग का ताला खोल के समझना मैं कल अजमेर गया था मैं के लिए लिखेंगे आए अब देखो मैं के बाद गया था लिखेंगे ठीक है ना पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे बात समझ में आई आपको
ऐसा नहीं कि आप उल्टा पुल्टा लिख दोगे तो चलेगा, नहीं चलेगा। ध्यान से देखो मोहित, मोहित ध्यान दो, क्योंकि आपको अपने आप बनाने आना चाहिए। पहले आप किसको लिखेंगे, इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, समझ आ गया? मैं की मीनिंग क्या होती है? आय, ध्यान से समझना। घनश्याम, पुष्पेंद्र, सचिन, ध्यान से समझना। मैं मतलब आय, गया था को गया को, गया की मीनिंग क्या होती है? गो, ठीक है ना? तो गो जो होती है, हम लोग गो को नहीं लिखेंगे। गो का एक जुड़वा भाई है, उसका नाम है, गो का जुड़वा भाई कौन है? अब ये भी आपको याद रखना है, गो को भी याद रखना है, उसके जुड़वा भाई को भी याद रखना है। तो हम लोग जुड़वा भाई को, सिर्फ सेकंड वाले भाई को याद रखेंगे। तो गो का हम लोग फर्स्ट वाले भाई को नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे? किसको लिखेंगे? तुषार, सब लोग एकदम मेरी तरफ देखा करो फुल टाइम। हम लोग फर्स्ट वाले भाई को नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे? सेकंड वाले भाई को लिखना है, ध्यान रखना। तो गया की मीनिंग सेकंड वाला क्या हो जाएगा? वेंट। पुष्पेंद्र तुम डिस्टर्ब करते हो, तुम्हारी एक बोलेगा ना तो तुम्हारी वजह से मैं देख रही हूँ कि मोहित का भी ध्यान नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि तुम बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहोगे। क्लास से बाहर निकाल दूंगी तुमको, और फिर कल से इस क्लास में आओगे भी नहीं। इस क्लास में तुमको पढ़ने के लिए इसलिए बैठाया है कि तुम कुछ सीख सको। अगर तुमको सीखने में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम बाहर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं देख रही हूँ कि मोहित का ध्यान नहीं लग पा रहा है। बीच में जो तुम कुछ बोल रहे हो वो तुम्हारी बातों पर ध्यान दे रहा है। समझ गए ना पुष्पेंद्र? पहले तुम अपनी सीट चेंज करो, अभी मैं देखूंगी नहीं तो तुमको क्लास से बाहर निकाल दूंगी। पढ़ाई पे, हमेशा पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता है। देखिए, तो मैं मतलब आय, और गया था मतलब वेंट के बाद आता है टू, वेंट टू। कहाँ गया था? कब गया था? यस्टरडे, मतलब कल। देखो दो कल होता है बेटा, एक तो ये कल होता है और एक ये कल होता है। हाँ, एक तो वो कल जो बीत गया, और ये एक वो कल जो अभी आएगा, आएगा वो भी तो कल है। तो हम यस्टरडे का मतलब ये वाला कल, यस्टरडे। ऐसे बोले, यस्टरडे, यस्टरडे, टुमारो, यस्टरडे, टुमारो, यस्टरडे, टुमारो, यस्टरडे, टुमारो। तुम बोल नहीं रहे हो हिमांशु, तुमने एक बार भी यस्टरडे टुमारो नहीं बोला। बोलोगे तभी सीखोगे। हमारी ये क्लास बहुत अच्छी क्लास है, फैंटास्टिक क्लास, ठीक है? और अगर पुष्पेंद्र इस क्लास को बिगाड़ेगा तो पुष्पेंद्र को क्या किया जाएगा क्लास से? हाँ, नहीं तो इतने अच्छे बच्चे हैं मेरे, इतना ध्यान से पढ़ते हैं, इतना मन लगा के पढ़ते हैं। आप देखो, वह कल नहाया था, ठीक है? कल नहाया था, आज नहीं नहाया, ठीक है? देखो, नहाना की मीनिंग कौन बताएगा? शांतनु, नहाना की मीनिंग देखो, देखना बच्चों, नहाना की मीनिंग होती है टेक बाथ। लेकिन ये तो पहला भाई है, हमको कौन सा इसमें इस्तेमाल करना है? दूसरा भाई। पास्ट में हमेशा दूसरा भाई इस्तेमाल होता है, पास्ट में हमेशा। तो हम यहाँ पे पास्ट, इसका दूसरा वाला भाई कौन है? इसका दूसरा वाला भाई है, इसका दूसरा वाला भाई है टुक, दूसरा वाला भाई है टुक बात, टुक है ना बेटा? यहाँ समझा रही है, तुम्हारा ध्यान तो कहीं और लगा हुआ है, इसकी बातों में लगा हुआ है। मैम आपने यहाँ पे टेक टुक ले दिया, मैम आपने यहाँ पे टुक ले दिया, भाई वही बात तो यहाँ समझा रही हूँ। सुनोगे तब तो सुनाई देगा ना। टेक है, टेक का दूसरा भाई कौन है? टुक है। और हमको यहाँ पे कौन से भाई को इस्तेमाल करना है? दूसरे भाई। वह कल नहाया था, ही टुक बाथ यस्टरडे। डन, आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको तीन और देती हूँ करने के लिए, जो कि आप करके मुझे और बताएंगे, मैं पूछूंगी तो आप आंसर बताना, ठीक है? छवि, शांतनु, तुषार, तुम्हारे को आता है? ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है ना, एक मिनट, फर्स्ट ब्रदर, सेकंड ब्रदर। फर्स्ट ब्रदर है गो,
वो मीन्स जाना, सेकेंड ब्रदर है वेंट, ठीक है, जाना का सेकेंड ब्रदर है वेंट, टेक बाथ नहाना, सेकेंड ब्रदर टुक बाथ, डू होमवर्क होमवर्क करना, सेकेंड ब्रदर डिड होमवर्क, फर्स्ट ब्रदर है कुक, कुक मतलब खाना पकाना, और सेकेंड ब्रदर है कुक्ड, प्ले मतलब खेलना, सेकेंड ब्रदर प्लेड, तो तुमको कौन सा ब्रदर यूज करना है आज, तुमको सेकेंड वाले ब्रदर को यूज करना है, फर्स्ट वाले ब्रदर को यूज नहीं करना है, ठीक है, डन। अब मैं जिससे इसे पूछूंगी, मैंने तीन बच्चों को इस क्लास में बैठाया है ताकि वो तीन बच्चे इस क्लास में कुछ सीख सकें, तो सबसे पहले उनका टेस्ट लूंगी।